फ्रेंड्स, अनियन पील फर्टिलाइजर के अंदर में माइक्रो और मैक्रो फॉर्म में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर। इसके साथ में इसका जो काम है बहुत अच्छा होता है प्लांट के अंदर में, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, रूट हार्मोन को भी डेवलप करता है जिससे रूट्स का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा बढ़ता है, रूट्स को मजबूत भी बनाता है। इसके साथ में फ्लावरिंग को भी ये बूस्ट करता है। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है, अनियन के जो पील्स हैं उनको आप धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद में 2 से 3 मुट्ठी कम से कम आप एक ग्लास में 200 ml पानी के अंदर में डाल दीजिए या फिर किसी जार में डाल दीजिए। ओवरनाइट आप इसे छोड़ दीजिए नॉर्मल सीजन में। ठंड के समय में इसे आपको 48 घंटे छोड़ना है। फिर उसके बाद में छान के इस 100 या 200 ml को आपको पानी में 1 लीटर मिला के और अपने प्लांट पर अप्लाई कर देना है। आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। साथ में दूसरा तरीका है, आप इसे बॉयल कर लीजिए अगर आप फास्ट प्रोसेस से बनाना चाहते हैं। बॉयल करके इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद सेम 100 से 200 ml को 1 लीटर पानी में मिला के अपने प्लांट पर अप्लाई करना है या फिर फॉलियर स्प्रे करना है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्लांट में ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, फ्लावरिंग में भी मदद करेगा। तो इसे एक बार जरूर यूज़ करिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।